जो सलाह देंगे उसके अनुरूप काम करेंगे और अभी 5 बजे तक इंतजार करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो है वो आप इसे अपनी जीत मानते हैं क्या, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक को जिताने लायक ही स्थिति? हाँ बिल्कुल, ये पार्टी की तो विपक्ष की नैतिक जीत इसलिए है कि सत्ता पक्ष को भागना पड़ा और पता नहीं क्या क्या करना पड़ा। तो ओवरऑल कहा जाए तो अब आप लोग बड़े आंदोलन करने वाले हैं कानून व्यवस्था के लिहाज से राज्य सरकार? सब कुछ करेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे, जीतेंगे, 2023 से राजस्थान को मुक्त करेंगे कांग्रेस पार्टी। खामियां रही हैं, आला कमान को रिपोर्ट देंगे? नहीं, खामी का प्रश्न नहीं, हमारी जो प्रथम वरीयता के एक उम्मीदवार जीतने लायक बहुमत था वो आराम से जीतेंगे, दूसरे के लिए कोशिश की थी क्योंकि अंतर बहुत ज्यादा था, अब देखते हैं। लेकिन अभी भी क्योंकि गिनती से पहले बहुत सारी चीजें भविष्य गर्भ में होती हैं, उम्मीद पे दुनिया का है, मैं देखिए क्या होता है। तो भाजपा प्रदेश जीत की है उसके मुताबिक हुआ सब कुछ? नहीं, कहीं चूक नहीं हुई। चूक किसने कहा? हमारे पास में जो सरप्लस वोट थे वो उसके आधार पर हमने समर्थन दिया था निर्दलीय उम्मीदवार को, वो पार्टी की तरफ से टिकट पे नहीं थे, उन्होंने भी अपने प्रयास किए, हमने भी अपने उनको सहयोग किया। अब वो कितना सफल होता है कितना नहीं होता है तो समय बताएगा। क्रॉस वोटिंग वाले ऊपर एक्शन होगा? अब वो केंद्र को बता दिया है, उसमें अभी मतगणना के समय, क्योंकि उस पर आपत्ति है, मतगणना के समय रिटर्निंग ऑफिसर उसको डिसाइड करेगा, उसके बाद इसमें कुछ कह पाएंगे। आपने सरकार की नाक में दम किया है, उम्मीदवार उतार के, आपको लगता है इसमें हार में भी आपकी जीत है दूसरे उम्मीदवार की? नहीं, हमारी तो हार है ही नहीं ना, पार्टी तो लड़ नहीं रही थी, निर्दलीय है, उनको समर्थन किया था, बीजेपी को तो एक सीट पे लड़ना था, एक सीट पे जीतना था, जीत गए, हार तो कांग्रेस पार्टी की सरकार की नैतिक हार है। इसमें आपके अपनों की भी परीक्षा हुई इसमें? ऐसा है कि चुनाव ऐसी चीज होती है उसमें बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। इसमें आपको लगता है जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ? बिल्कुल, गीता में यही कहा गया है, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। जी जी जी, आप संतुष्ट हैं कि पार्टी के विधायकों ने जो प्रशिक्षण दिया था वो काम आया?